अभयारण्य से जंगल सफारी 1 अक्टूबर से प्रारंभ नहीं हो पाई है। बारिश के 3 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार बारिश ने काम बिगाड़ दिया है। इससे पर्यटकों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कोका अभयारण्य से पर्यटन प्रारंभ करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कोका अभयारण्य जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य में न सिर्फ बाघ, हिरण, नीलगाय, तेंदुआ, भालू सहित विभिन्न जंगली जानवर बड़े पैमाने पर पर्यटकों को दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पर्यटक कोका अभयारण्य की ओर आकर्षित होते रहते हैं। मानसून शुरू होते ही 30 जून को कोका अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। 3 महीने के बाद 1 अक्टूबर को जंगल को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया जाना था, लेकिन इस बार सितंबर माह में भारी बारिश हुई। अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। 5 अक्टूबर के बाद भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारी बारिश के कारण अभयारण्य की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। हर तरफ पानी और कीचड़ भरा है। इससे पर्यटकों को खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर बारिश नहीं हुई तो आने वाले सप्ताह में कोका अभयारण्य में जंगल सफारी शुरू हो सकती है। अन्यथा 15 अक्टूबर या इसके बाद ही पर्यटकों के लिए कोका में जंगल सफारी शुरू हो सकेगी। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।